हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। बैंक में रुपया जमा करने गए फर्म कर्मचारी से उचक्कों ने उड़ाए 95,000 रुपए। पुलिस पूरे मामले को मान रही है संदिग्ध, एसपी सिटी ने कहा नहीं हुई है लूट। संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन सतर्क, 3 नई नावें पहुंची। डीएम ने कहा नहीं होने दी जाएगी जन धन की हानि। कमिश्नर ने किया कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा, खाद बीज की उपलब्धता के साथ सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, कहा विकास कार्यों में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। महानगर में अघोषित बिजली कटौती और जल जमाव की समस्या को लेकर सफाइयों ने नगर निगम का किया घेराव। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी पी श्रीवास्तव दर्शन शास्त्र विभाग के बनाए गए नए डीन, कहा शिक्षा में गुणवत्ता लाना ही होगी उनकी पहली प्राथमिकता। 8 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने दूसरे दिन भी दिया धरना। पुलिस अधीक्षक यातायात ने वाहन स्वामियों को सिखाया यातायात नियमों की सीख, स्कूली वाहनों को भी किया चेक। शहर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने तथा मनमानी फीस वसूलने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का किया घेराव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न, नव निर्वाचित पदाधिकारियों का किया गया अभिनंदन। विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर आंदोलन की बनाई गई रणनीति। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के बिना अनुमति के छात्र छात्राओं का प्रवेश लेने वाले महाविद्यालयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों के एक गुट ने कुलपति से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। भारत विकास परिषद ने मनाया अपना 55वां स्थापना समारोह, संगठन की मजबूती पर बनाई गई रणनीति। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश प्रक्रिया चौथे दिन भी रहा जारी, मंगलवार को स्नातक कला में कुल 215 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश। और जोर शोर से चल रही है हजरत बाबा मुबारक खान शहीद के उर्से मुकद्दस और जलसा दस्तार बंदी की तैयारी।